तो जो कि मैंने पहले बताया कि यह जो बीमारी है बीज जनित है और मतलब सॉइल से भी ये बीमारी फैलती है, तो बीजोपचार इस बीमारी के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर हम सही समय पे बीजोपचार करें और मतलब बीजोपचार करके ही अगर हम सोयाबीन का पौधा लगाएं तो इस बीमारी को बहुत हद तक रोका जा सकता है। तो जो मुख्य दवाइयां हैं बीजोपचार के लिए वो है थायफेंट मिथाइल प्लस पाइरेक्लोस्ट्रोबिन। तो ये एक बहुत अच्छी दवाई है जिसको हम बीजोपचार के रूप में ला सकते हैं, और जो उसकी मात्रा हम यूज करेंगे वह है 3 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम। इसके अलावा आप कार्बोक्सीन प्लस थायरम जो दवाई है इसको भी बीजोपचार के रूप में ले सकते हैं, और इसकी जो मात्रा हम लेंगे 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से। और भी बहुत सारे मतलब दवाइयां हैं बीजोपचार के लिए, उसको आप यूज में ले सकते हैं, जिसमें कि एक है पेनफ्लुफेन प्लस ट्राइप्रोक्सिस्ट्रोबिन, और इसका जो दर जो हम लेंगे बीजोपचार के लिए वह है 1 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम से। तो यह जो है बीजोपचार से बहुत हद तक रोका जा सकता है फैलने से। इसके अलावा मान लीजिए कि बाद में अगर बीमारी फैलती है तो आप उस समय आप स्प्रेइंग कर सकते हैं पैराक्लोस्ट्रोबिन 20 WG का 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत कुछ इस वीडियो से सीख पाए होंगे। धन्यवाद।